हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरी को प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड से भी पहचाना जाता है। बेसिकली ये केन्सियन थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आने की एक वजह थी, जो वजह थी कि इससे पहले जो एक थ्योरी वर्क कर रही थी वो थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उस ग्रेट डिप्रेशन पे ये थ्योरी वर्क करना काम ना आई और ये थ्योरी फेल हो गई। ये थ्योरी फेल होने की अनेक वजह थी जो केन्स ने इसे क्रिटिक्स किए हैं। दुनिया भर के हर इकोनॉमिक्स में इसे कुछ कमियां पाई और ये कमियां की वजह से ही ग्रेट डिप्रेशन को हल न कर पाने की वजह हर इकोनॉमिक्स ने बताई है। उसमें हर किसी ने अपने अपनी राय देने की कोशिश किए हैं। हम आज केन्स ने जो उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है और इस इन्फ्लेशन से बाहर आने के लिए जो थ्योरी दी, उसे ही केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी फेल होने की वजह है उसके अजम्पशन। तो हम उसके अजम्पशन देखते हैं कि उसके कौन से बेस पे ये थ्योरी वर्क करी थी। उसकी पहले जो अजम्पशन है पहला है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल ऑन एग्रीगेट सप्लाई। जितनी भी डिमांड होगी उस डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल होगी। दूसरी जो अजम्पशन है वो है सेस लॉ ऑफ मार्केट। से ने जो अपना लॉ दिया है, जो थ्योरी दी थी वो क्लासिकल थ्योरी है और क्लासिकल थ्योरी इसमें जो सप्लाई क्रिएट ओन्स डिमांड, जो सप्लाई क्रिएट हुआ है, जो बना हुआ है, उससे अपने आप मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, ऐसा जो सेस ने अपने लॉ ऑफ मार्केट में कहा है। सेस लॉ ऑफ मार्केट। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज प्राइस एंड इंटरेस्ट। मार्केट में जो लेबर की वेज है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है और जो इंटरेस्ट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये जो अजम्पशन है वही इसी को थ्योरी को फेल करने की वजह बन गई थी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज प्राइस एंड इंटरेस्ट। और फोर जो सबसे बड़ी अजम्पशन है वो क्लासिकल थ्योरी की है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर मार्केट में कोई भी सिचुएशन अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है या मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट को अगर सप्लाई न होने की वजह होती है तो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्टमेंट होगा, ऐसे अजम्पशन किए गए हैं। जैसे एडम स्मिथ में जो कहा था, अनसीन हैंड मार्केट को चलाती है, उसमें किसी भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, कोई भी रोल गवर्नमेंट का नहीं होगा, ऐसे कुछ अजम्पशन है जिससे क्लासिकल थ्योरी वर्क कर रही थी। और 1930 के जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें ये थ्योरी फुली फेल हो गई। और उसके बाद केन्स ने इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अपनी थ्योरी दी जो इफेक्टिव डिमांड पे बेस है, और इफेक्टिव डिमांड ही उसे फोकस में लाया गया है।
केन्स ने 1936 में एक आर्टिकल दिया था, उस आर्टिकल में पब्लिश हुआ था जो पब्लिश हुआ था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके पब्लिश होने के बाद जो उसमें से एक थो जो थ्योरी थी वो थ्योरी हमें मिली केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसी बेस पे ये थ्योरी निकल के आई 1936 में, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके पब्लिश होने के बाद कुछ ऐसे लगा कि ये थ्योरी इसमें काम करेगी, और इसमें जो थ्योरी देने के बाद केन्स ने इसमें मॉडर्न और बदलाव करने वाली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी दी है। मॉडर्न एंड रिवोल्यूशनरी मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी दी है। केन्स ने जो इफेक्टिव डिमांड ये जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से ही पूरे थ्योरी में वर्क होगा। तो हम देखेंगे कि इफेक्टिव डिमांड एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्लासिकल थ्योरी जो थी उन्होंने कहा होता था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल ऑन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे केन्स ने थोड़ा चेंजेस किए और यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर लिया। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल ऑन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल ऑन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मीन्स जो कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर जो है उससे बढ़ना। अगर समझिए, एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे अगर किसी के पास अगर 100 रुपये है, कोई कस्टमर के पास 100 रुपये होने से वो अपने किसी चीज़ उसे चाहिए, वो चाहिए और उसने खरीदनी है, इसमें जो डिफरेंस है उसे ही कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। अगर वो कस्टमर वो पैसे खर्च करके कोई चीज़ खरीदता है तो उसमें परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और ये परचेसिंग पावर ही होती है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। जो पैसे खर्च करके जो चीज़ रियल में खरीदी जाएगी और उसे कंजप्शन किया जाएगा उसी को ही इफेक्टिव डिमांड कहा जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी एक इंसान के पास उसकी इनकम 10,000 है और इस उसका एक्सपेंडिचर 8,000, उसने उसके इनकम से 8,000 अपने कुछ जरूरत पे खर्च किए और उसकी जो सेविंग होगी, उसकी सेविंग 2,000 होगी। ये जो 2,000 है वही उसकी जो सेविंग होगी वो उसकी परचेसिंग पावर को डाउन करने वाली है। अगर उसने 10,000 से 10,000 ही खर्च किए तो उसमें उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अगर उसकी कंजप्शन बढ़ती जाएगी तो इफेक्टिव डिमांड घटेगी। अगर उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी। यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड का फुल ऑन कनेक्शन दिया गया है एम्प्लॉयमेंट पे। अगर एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव डिमांड अगर बढ़ेगा
तो ही इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव डिमांड घटेगा तो इम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। यहाँ पे जो इफेक्टिव डिमांड और इम्प्लॉयमेंट, इसमें जो रिलेशनशिप बताया गया है पॉजिटिवली है। यहाँ पे और एग्जांपल हम देंगे इफेक्टिव डिमांड का। अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है तो उसमें टोटल गुड्स और सर्विसेज बढ़ती है, और टोटल सर्विस और गुड्स बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से ही टोटल कॉस्ट होगा जो लोग परचेसिंग पावर करेंगे। यहाँ पे बढ़ते हैं टोटल गुड्स एंड सर्विस, अगर ये बढ़ेंगे तो ही टोटल डिमांड बढ़ेगी। टोटल डिमांड बढ़ेगी तभी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, और टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट की लेवल बढ़ेगी। और जो कंडीशन है, जो इन्फ्लेशन की जो पावर थी वो कम हो जाएगी, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और ये जो पैसा है एग्जैक्टली तो कहाँ से आएगा? जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की नौकरी लोगों के पास होगी, और लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा, तभी तो इन्फ्लेशन जाएगा और जो नेशनल इनकम है और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। केन्स ने यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल ऑन टोटल कॉस्ट कहा गया है। इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों कहा है ये हम देखते हैं। टोटल कॉस्ट, अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसकी इनकम डिवाइड होती है, एक तो कंजम्पशन और होती है सेविंग। यहाँ पे सेविंग हमने अज्यूम नहीं किया है, सेविंग उसकी कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट पे। मतलब यहाँ पे उसकी जो इनकम है, इनकम एक तो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। यहाँ पे सेविंग ही उसकी इन्वेस्टमेंट बनती है, और फिर वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगी, फिर और किसी की इनकम बनेगी। तो यहाँ पे केन्स के अनुसार इनकम कन्वर्ट होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये जो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है वही है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल सी प्लस आई। वैसे ही एक ये पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे हमने जो कहा इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टी सी टोटल कॉस्ट। इफेक्टिव डिमांड से क्या क्या बदलाव होते हैं वो हम देखेंगे। इफेक्टिव डिमांड, एक तो हमने देखा बदलाव होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो उसके पास जो इनकम है, वही इनकम जो कंजप्शन पे खर्च होने वाली है, और बाकी जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें जो बढ़ोतरी होगी वही फिर कन्वर्ट होगी इन्वेस्टमेंट में। तो इसी से उसकी इफेक्टिव डिमांड प्रोडक्शन के काम के लिए ही यूज़ होगी। दूसरा पॉइंट होता है टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो फैक्टर है, जो है लेबर है, लैंड है,
कैपिटल है और इंटरप्रेन्योर, उनके पास अगर काम आता है और उनका अगर यूज़ होता है, वही तो उसकी टोटल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। थर्ड पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लासिकल थ्योरी अज्यूम कर लेती है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वर्क पर है, पर केन्स ने कहा है कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ने से ही टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे पहले की सिचुएशन कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होंगे और कोई लोग काम पर होंगे। अगर इफेक्टिव डिमांड होगी, जो बचे हुए लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनको भी जॉब इफेक्टिव डिमांड से ही मिलेगी। एक तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जिसको करेंटली जो वेज है वो वेज पसंद नहीं है और वो एम्प्लॉयमेंट होने से नहीं तैयार होते और वॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। पर यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड बढ़ने से ही टोटल एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी होती है, ऐसा अज्यूम कर लिया है। और इसी से के साथ इफेक्टिव डिमांड से होती है टोटल नेशनल इनकम। इसी के साथ इफेक्टिव डिमांड से वर्क होने से ही हमें टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट और टोटल नेशनल इनकम, इसमें हमें चेंजेस दिखाई देती है सिर्फ इफेक्टिव डिमांड से ही। तो यहाँ पे केन्स ने जो इफेक्टिव डिमांड जो बताया है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है और इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट में एक्सपेंडिचर बढ़ोतरी गवर्नमेंट में कोई भी नहीं होती, पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इसमें बदलाव किए हैं और इफेक्टिव डिमांड में गवर्नमेंट को भी ऐड कर लिया है। तो इफेक्टिव डिमांड सी प्लस आई प्लस जी, ये केन्स ने बताया है और ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। और ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इस पॉइंट को मेंशन कर लिया है, जो केन्स के थ्योरी में गवर्नमेंट का रोल इसमें उसने अपने अजम्पशन में ऐड नहीं किया है। इसके से के साथ हम देखेंगे टो फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या होती है और वो कैसे वर्क होती है। ये जानने से पहले हम इसके कुछ केस ने दिए हुए अजम्पशन को देखेंगे और उसके बाद फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को देखेंगे। इसमें फर्स्ट अजम्पशन होता है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें दूसरा है कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी को अज्यूम किया गया है। थर्ड है शॉर्ट टर्म फैक्टर कंसिडर नहीं किया है, ये है लॉन्ग रन फैक्टर। लॉन्ग रन में ही इसे अज्यूम किया गया है। आगे है इसे फोकस किया है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को, फोकस ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मनी को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है।
मनी को इस तरह दिया है कि मनी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को इसमें अहम रोल दिया गया है। 6 है इफेक्टिव डिमांड, और ये जो अजम्पशन है उसमें देखा गया है कि स्टेबल इकोनॉमी होगी। 7 है क्लोज इकोनॉमी, और सबसे बड़ी बात जो है उसमें है केन्स ने ये थ्योरी दी है सिर्फ कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेक्शन। यहाँ हम फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड देखेंगे। इसमें फर्स्ट है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और सेकेंड है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। हम फर्स्ट देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन केन्स ने जो अज्यूम किया है ये जो थ्योरी है वर्क होगी मैक्रो इकोनॉमी में। और सेकंड उन्होंने कहा है कि टोटल इफेक्टिव डिमांड ये इक्वल होगी टोटल कॉस्ट। मतलब इफेक्टिव डिमांड ऑफ प्राइस अगर बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर इफेक्टिव डिमांड ऑफ प्राइस घटेगी तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। ईडीपी इफेक्टिव डिमांड ऑफ प्राइस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर ईडीपी इफेक्टिव डिमांड ऑफ प्राइस घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। यहाँ पे उन्होंने जो दोनों में जो रिलेशनशिप बताया है वो दोनों ही पॉजिटिव है। हम इसे एक टेबल के साथ समझेंगे। इस टेबल के साथ हम देखते हैं कि इफेक्टिव डिमांड ऑफ प्राइस बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसी से ही अगर इस टेबल में हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल एन जो नंबर है क्वांटिटी हम उसे एन के इंडिकेट करते हैं, इसका हम सोचेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल डिमांड प्राइस या इसे ईडीएफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कहा जाता है। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट के नंबर बढ़ते हैं 1 से 150, हम यहाँ पे करोड़ में काउंटिंग करेंगे, अगर एक एम्प्लॉय बढ़ता है तो उसके ईडीएफ 150, सेकेंड 225, थ्री बढ़ता है तो अगर 300, फोर बढ़ेगा तो 375, और फिफ्थ एम्प्लॉय बढ़ेगा तो यहाँ पे 450। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हम लाख में लेते हैं, अगर 1 लाख बढ़ता है तो 150 करोड़ उसकी जो एग्रीगेट डिमांड ऑफ फंक्शन बढ़ेगा वो इस काउंटिंग में बढ़ेगा। हम माइक्रो लेवल पे इकोनॉमी देख रहे हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लाख और ईडीएफ हम करोड़ में काउंट करेंगे। इसी टेबल को हम एक डायग्राम के साथ और एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयमेंट लाखों में बढ़ेगा वैसे ही उसकी जो इनकम है वही करोड़ में बढ़ती जाएगी। फर्स्ट एम्प्लॉय अगर आता है
1 लाख आता है तो 150 उसकी इनकम होती है, सेकेंड आता है 2225 करोड़, थ्री आता है 300 करोड़, फोर्थ आता है 375 और फिफ्थ आएगा तो 450 करोड़ में ऐसे उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। जो ADF है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी की इनकम है नहीं है स्टार्टिंग में, अगर उसको कुछ पर्टिकुलर एज के बाद ही वो वर्क करता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग वाली जो कंजप्शन है वो किसी रिलेटिव, किसी फैमिली मेंबर और किसी फ्रेंड के पैसे से ही उसका गुजारा होता है। और इसीलिए ADF कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही कोई भी इंसान पेमेंट उसे मिलती है उसके कमाने के बाद ही। तो ADF इस गैप के साथ ही स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है ADF इज इक्वल फंक्शन ऑफ एन, एन मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ पे हमने देखा EDP इफेक्टिव डिमांड ऑफ प्राइस और एम्प्लॉयमेंट, उसका रिलेशन है वो है डायरेक्ट है। जैसे ही एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उससे ही एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ेगी, जो इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है। और दूसरी बात कहा है कि ADF कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओ मीन्स जीरो, यहाँ से कभी भी स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पे हमने फैक्टर सेकेंड देखा है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जो इफेक्टिव डिमांड का जो फैक्टर है, फर्स्ट हमने देखा डिमांड, अभी देखेंगे सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन ऐसा होता है कि जैसे किसी प्रोडक्शन से किसी गुड्स को या सर्विस को, उसको उसका प्रोडक्शन होता है और उसका प्रोडक्शन होने के बाद उसकी कुछ कॉस्ट आती है तैयार करने में, जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट के आगे ही कोई प्रोड्यूसर उसकी प्राइस डिसाइड करेगा, जिससे उसको सेल करने के बाद उससे जो प्रॉफिट होगा वही तो होगा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करने के बाद ही उस प्रोडक्ट की MRP तय होती है। इसी के साथ एक टेबल हम ड्रॉ करेंगे और उससे और एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, जो एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो प्राइस होती है उसका जो खर्च होता है वो खर्च और उसमें जो प्रॉफिट, इसमें जो MRP पे बेचा जाएगा उसी ही कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। उसी के साथ हम ये टेबल देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल है जिसे N कहा जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये काउंट होगा, यूनिट होगी हमारे लाखों में होंगे, और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जो ASF जो करोड़ों में होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जो ASF में जो बदलाव होते हैं, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से 100 AS बढ़ेगा, 2 लाख बढ़ने से 200 AS करोड़ों में बढ़ेगा, 3 लाख एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से 300 AS करोड़ में बढ़ेगा, और 4 लाख एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से AS करोड़ों में 400 होगा, और लास्ट 5 लाख एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से ASF करोड़ों में 500 होगा। इसी के साथ हम देखेंगे डायग्राम के साथ, इस डायग्राम में हम देखेंगे X लेवल पे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिया है और Y पे ASF एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही 1 बढ़ता है तो उसकी जो ASF 100, सेकेंड 200, 3
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो 300, 4 बढ़ेंगे तो 400, 5 बढ़ेंगे तो 500, जो जैसे बढ़ेंगे वैसे ही उसकी जो ASF है उसको सेम पॉजिटिवली उसको रिएक्शन या उसको इफेक्ट या उसको वैसे ही रिएक्शन देगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। F पर हमने यहाँ पे कांस्टेंट बताई है, एक पर्टिकुलर जो जितनी ही एम्प्लॉयमेंट है उसे जैसे जैसे उसे टोटल तक आ जाएगी जितनी उसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी यहाँ पे F पे हमें बता दी गई है। तो वैसे ही यहाँ पे ASF इज फंक्शन ऑफ N, N मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसको जो रिलेशन बताया गया है वो है पॉजिटिव बिटवीन ASF एंड N। इसी तरह हम देखेंगे दोनों ही ADF और ASF दोनों अगर कंबाइन में आएंगे तो उसे कैसे डिटरमिन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और डिटरमिनेशन ऑफ ED इफेक्टिव डिमांड वो ADF और ASF में कैसी वर्क होती है, दोनों अगर डिमांड और सप्लाई एक ही जगह पे आएंगे तो कैसे वर्क होता है। जैसे हमने देखा दोनों ही टेबल में एम्प्लॉयमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और ADF वहाँ जहाँ पे हमने टेबल पे देखा था 150, 225, 300, 375, 450 और ASF 100, 200, 300, 400, 500। और इसकी कंपैरिजन देखेंगे अगर स्टार्टिंग में जहाँ ADF जो कम था, ADF जो ज़्यादा था और सप्लाई कम था, तो इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे जहाँ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की ज़रूरत है और यहाँ पे ASF कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि इसमें जो गैप है दोनों की, जो उसमें जो जो 150 है वो ADF उसकी जो वैल्यू है ज़्यादा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। सेकंड में 225 ADF और ASF 200 यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। फिर एक ऐसी लेवल आएगी जहाँ पे ADF और ASF दोनों इक्वल होंगे जो इक्विलिब्रियम बनेगा, यहाँ पे दोनों भी ADF और ASF दोनों भी 300 इज इक्वल होंगे। उसके बाद जब ADF 375 और ASF यहाँ पे 400 है जहाँ पे सप्लाई बढ़ा और उसकी जो डिमांड है वो डिमांड घटी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट घटेगा। फिर उसी कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे तो ADF 450 और ASF सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे डिमांड कम है, जब डिमांड घटेगी तो एम्प्लॉयमेंट ही घटेगा। सेम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, अगर ADF ज़्यादा होगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी तभी तो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट दो में हमें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे और जहाँ ADF और ASF दोनों ही इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे दोनों में कोई भी जितना प्रोडक्शन हो रहा है जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। पर जैसे ही फोर्थ स्टेज पे हम जाते हैं वैसे ही डिमांड जो है घटती जाती है और सप्लाई बढ़ती जाती है, जिसको कुछ भी डिमांड नहीं है तब नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटते जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव हमें एक्शन मिल रही है, यहाँ पे इक्वल हो रही है और यहाँ पे दोनों में हमें यहाँ पे घट रही है। इसी को टेबल को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और हमें एक्सप्लेन होगा। इस डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स पे हमने एम्प्लॉयमेंट लिया है, वाई पे इनकम या कॉस्ट दोनों हमने लिए हैं। जीरो से ओ से
जो ये लाइन जाती है और ये जो ए से जो ADF ए जो है डिमांड जो है ये लाइन ऐसी है, और सप्लाई की जो एम्प्लॉयमेंट की सप्लाई लेवल है वो हमें ऐसी खड़ी हुई दिखाई देती है। एक ऐसी लेवल आ जाती है कि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट वर्क होता है और उसके बाद तो कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं कि उसके आगे उसकी सप्लाई जाए। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे लास्ट लेवल हमें सप्लाई की दिखाई देती है जो N3 तक है। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट की लेवल थी वो N1 थी और N1 पे ही उसकी इनकम हमें P1 मिलती है, और जो ये जो गैप है ये जो गैप ही बताता है ऑटोनोमस। जो ऑटोनोमस है मतलब जो स्टार्टिंग का जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट किसी पे डिपेंड होता है, उसकी खुद की तो इनकम नहीं है। जो किसी से लेगा तभी उसकी इनकम बढ़े, वो खर्च करेगा, किसी से लोन लेगा या किसी से खर्चे के लिए पैसे लेंगे तभी तो वो कुछ कर पाएगा। तो यही है जो ओ और ए जो गैप है वो ऑटोनोमस ही है। उसके बाद ही जो ए से जो डिमांड है वो डिमांड ऐसी बढ़ती जाएगी। वैसे ही ए जो स्टार्टिंग वाला जो हमने देखा कि तीन लेवल देखे हमने, एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक इक्वल होगा और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट घटेगा। स्टार्टिंग में जो हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसी से ये जो पॉइंट हमें मिलता है वही असल में इफेक्टिव डिमांड है। इसी के साथ एक ऐसी लेवल आ जाती है कि इक्विलिब्रम बनती है, जो इससे ये लेवल बढ़ती जाएगी और ऐसी बढ़ेगी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट N2 होगी और उसकी इनकम होगी P2। ये इक्विलिब्रम यहाँ पे E2 में होगा और यही से उसकी इफेक्टिव डिमांड कही जाती है। जो डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई है वो एक दूसरे में इक्वल होती है। अगर इसके आगे भी अगर एम्प्लॉयमेंट अगर जॉब पे आता है या किसी जॉब के या काम पे आता है तो उसकी इनकम तो बढ़ती है पर एम्प्लॉयमेंट जो उसकी लेवल है, जो यहाँ पे जैसे हमने देखा ADF और उसकी जो ASF, इसमें जो गैप है वो जो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। बढ़ते हुए इक्विलिब्रम के साथ जैसे 300 था उसकी जो ADF है तो बढ़ता है, पर जो ASF बढ़ता है उस हिसाब से उसके आगे नहीं जाके वो उससे कम होता है। तो ये जो इफेक्ट है हमने ये बढ़ती हुई एम्प्लॉयमेंट लेवल और डिक्रेस, ऐसे तीन लेवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे हमने इसे एक्सप्लेन किया है। और ये जो पॉइंट है वही पॉइंट इफेक्टिव डिमांड कही जाती है जो हमें E2 में मिलती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम होगा वो इकोनॉमी में कैसे होगा, यही हमें केन्स ने बताया गया है और केन्स के थ्रू हम इस डायग्राम से इसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि एक्स पे हमने एम्प्लॉयमेंट और वाई पे हमने इनकम लिया है। जीरो से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फंक्शन है, और जो ये जो गैप है यही तो हमें ऑटोनोमस बताएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो एक्स से लगभग पैरेलल है ADF1, और उससे भी ऊपर जो जा रही है वही इफेक्टिव डिमांड है। जो ये गैप हमें मिल रहा है वही जो गैप है वही है ADF जो हमें इफेक्टिव डिमांड बताया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट हमें N1 तक है। अगर इसमें केस ने जो बताया गया है उस थ्रू से हम देखेंगे, वो नज़र से हम देखेंगे तो इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ेगा
उसमें जो खर्च बढ़ेंगे प्लस उसमें कंसिडर तो किया नहीं है गवर्नमेंट का, अदर मॉडर्न इकोनॉमीज में, न्यू क्लासिकल इकोनॉमीज में इसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसे ऐड कर लिया है। जब ये बढ़ेंगे, ये जो खर्चे बढ़ेंगे, तब खर्चे में से प्रोडक्शन फैक्टर में बढ़ोतरी होगी और वो यूज़ में निकलेंगे। तभी तो E1 से जो इंटरसेक्शन है, E1 से E2 के ऊपर जो जाएगा, ये जो गैप हमें जो मिल रहा है, यही गैप असल में इफ़ेक्टिव डिमांड है, जो हमें यहाँ से यहाँ तक जो चेंजेस मिल रहे हैं वही इफ़ेक्टिव डिमांड है। जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इसके इंटरसेक्शन से, इससे जो हमें बदलाव मिल रहा है वही तो बदलाव इफ़ेक्टिव डिमांड है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी और इकोनॉमी ग्रोथनेस देने वाला जो थ्योरी है जो हमें यहाँ पे केन्स ने दिया है। इसी के साथ अब भी हम लास्ट क्रिटिक्स जो इस पे किए गए हैं वो देखेंगे। इसमें पहला जूम किया गया था कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, नो रियलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन। इसमें तो ऐसा नहीं है कि हर कोई, जैसे प्रोड्यूसर जो जो रेशनल बताया गया है वैसे ही कंज्यूमर भी वैसे ही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। सेकेंड है कैपिटल इकोनॉमी। हर जगह कैपिटल इकोनॉमी ही यूज़ होती नहीं है, बार्टर इकोनॉमी भी आज के डेट में यूज़ होती है। थर्ड है शॉर्ट टर्म के लिए ये थ्योरी नहीं इसे कुछ कंसिडर करती है, नो फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ पे केन्स ने जो वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा है, नो कंसिडर फॉर वेलफेयर। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे सिर्फ फोकस किया है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। जिसे सेविंग का कोई भी पार्ट यहाँ पे अज्यूम नहीं किया गया है, जो सेविंग अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में ही कन्वर्ट होगी, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट है मनी को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। नेक्स्ट है इफेक्टिव डिमांड। जो भी इकोनॉमी में बदलाव आएंगे सिर्फ इफ़ेक्टिव डिमांड से ही होंगे, यहाँ पे सप्लाई का वैल्यू यहाँ पे कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेबल इकोनॉमी। इकोनॉमी कभी भी रियलिस्टिक में स्टेबल नहीं होती। नेक्स्ट है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी रियलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ऐसा कंसिडर किया गया है जो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड होने से ही इकोनॉमी में चेंज आएंगे, ऐसा तो उन्होंने कंसिडर किया है कि इफ़ेक्टिव डिमांड लैक है तभी तो इकोनॉमी में बदलाव आएंगे इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ने से। और लास्ट है केन्स ने ये थ्योरी सिर्फ
इन्फ्लेशन दूर करने के लिए दिए हैं। अगर इन्फ्लेशन दूर होता है तो रेगुलर इकोनॉमी चलने के लिए कौन सी थ्योरी यूज़ होगी, ये नहीं बताया। यूज़ फॉर इन्फ्लेशन इकोनॉमी। और इसमें और एक पॉइंट ले सकते हैं, पॉवर्टी पैराडॉक्स। इसमें जो उन्होंने कहा है, जो पॉवर्टी वाले कंट्री में, अगर अंडर डेवलपमेंट कंट्री में, उनकी जो गैप है, जो उनकी परचेसिंग पावर और डेवलप कंट्री में, इसमें जो गैप है, वो गैप उन्होंने कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है। उनकी जो नीड है पॉवर्टी वाले कंट्री में या अंडर डेवलप कंट्री में, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा है, और जो डेवलप कंट्री है उनकी जो नीड है वो फुलफिल हुई रहती है, इसलिए उनकी जो सेविंग है इन्वेस्टमेंट में जाएगी। और जो पॉवर्टी वाली कंट्री है, जो गरीब देश है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंजप्शन है होगा उससे सेविंग नहीं होती। जो सेविंग नहीं होती वो कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, इसके बारे में केन्स ने नहीं बताया है। और इसमें और एक हम जोड़ लेंगे लास्ट, जो गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर किया गया है। नो गवर्नमेंट रोल, जो आज के डेट पर गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से ही इफेक्टिव डिमांड या इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, जो हर किसी कंट्री के लिए गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट है, ये टोटली इग्नोर किया गया है। जो कुछ क्रिटिक्स हैं, इसी के साथ हम ये थ्योरी फिनिश करते हैं। थैंक यू।